सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक केयर टैबलेट के बारे में। वैसे तो आपने थंबनेल में देखकर समझ ही गया होगा कि मैं आज एक केयर का रिव्यू करने वाला हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक केयर का यूज, साइड इफेक्ट और इसका लेने का सही तरीका पूरी डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, पूरा अंत तक देखें, आप पूरी जानकारी लें। तो ये आप देख रहे हैं एक केयर। आपको पता होगा कि एक केयर का उपयोग गर्भपात के लिए यानी कि अबॉर्शन के लिए किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानते हैं एक केयर लेने का सही तरीका। तो दोस्तों, यह एक केयर टैबलेट है। इसको बनाने वाली कंपनी है DKT इंडिया और यह 5 टैबलेट का स्ट्रिप आता है गाइज। यह एक किट है। तो चलिए इसका अंदर का पैकेजिंग देख लेते हैं, कैसा इसका पैक है, कितने टैबलेट हैं। ये हुआ गाइज इसका अंदर का पैक। पहला है मिफेप्रिस्टोन 1 टैबलेट, दूसरा है मिसोप्रोस्टोल 4 टैबलेट। तो ये रहा इसका कंपोजिशन, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट एंड मिसोप्रोस्टोल टैबलेट। और इसका जो MRP है ₹426। गाइज समय के साथ MRP बढ़ते और घटते रहता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कभी कम और कभी ज़्यादा दामों में मिल जाएंगे। तो चलिए आप इसका इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के लिए किया जाता है। अगर किसी की प्रेगनेंसी 9 से 10 हफ्ते हो गए हो तो उस प्रेगनेंसी को साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो दोस्तों, इस दवा को लेने का सही तरीका कई लोगों को मालूम नहीं होता है, जो कि काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है बाद में। तो इसका लेने का सही तरीका है मिफेप्रिस्टोन 1 गोली सुबह खाली पेट, यानी कि अगर आज सोमवार है तो सोमवार का सुबह खाली पेट एक गोली, इस गोली को खा लेना है। और उसके बाद मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियाँ, ये एक दिन बीच करके खाना है गाइज। ध्यान रखें, अगर आप सोमवार को खा रहे हैं तो मंगलवार को नहीं खाना है, फिर बुधवार को खाना है गाइज। आपको इस चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसे सोमवार को एक सुबह खाना है, उसके बाद मंगलवार को नहीं खाना है और बुधवार को ये दोनों गोली सुबह खाली पेट खाना है। उसके बाद जब इस दोनों गोली के खाओगे, उससे 6 घंटे के बाद ये दोनों गोली खा लेना है। ये मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियाँ हैं गाइज। इसका कई अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कई लोग तो मिफेप्रिस्टोन की 1 गोली सुबह और एक दिन बीच करके मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियाँ एक ही बार उसे भरजाना में रख देते हैं। तो इसको लेने का एक और तरीका है, एक गोली को खा लेना है और एक दिन बीच करके ये 2 गोली को लेफ्ट साइड वाले जीभ और 2 गोली राइट साइड वाले जीभ में दबाना है आधे से 1 घंटे तक। दोस्तों, इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, बिना डॉक्टर के सलाह से इस दवा का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका जो साइड इफेक्ट है, अधिक ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, सिर दर्द, बुखार, पेट दर्द, ये सभी साइड इफेक्ट इसका हो सकता है। डॉक्टर इस दवा को देने के साथ साथ 1 से 2 और दवाइयाँ देती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग बंद होने वाली, पेट दर्द की दवाई और एंटीबायोटिक दवाएँ देती है। तो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए। दोस्तों, आई होप कि इस किट के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी और पूरी नॉलेज मिल गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।